वेलकम बैक टू एथल गाइस। आजकल मार्केट में ऑफरोड गाड़ियों का क्रेज काफी बढ़ता जा रहा है। अब एक के बाद एक ऑफरोड गाड़ियां आती जा रही हैं। कुछ दिन पहले ही महिंद्रा ने थार की नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च की थी, लेकिन इस रेस में मारुति भी पीछे नहीं रहने वाली। जी हां, मारुति सुजुकी भी अपनी एक ऑफरोड व्हीकल जिम्नी को इंडियन मार्केट में बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाली है। इस गाड़ी के लॉन्च होने से मार्केट में कंपटीशन तो बढ़ेगा ही, उसी के साथ साथ महिंद्रा थार के लिए खतरा भी बढ़ जाएगा। ये गाड़ी असल में मारुति की तरफ से पहले आने वाली जिप्सी की फोर्थ जनरेशन है, जिसे मारुति जिप्सी नाम ना देकर जिम्नी नाम से लॉन्च कर रहा है। वीडियो को आगे देखने से पहले जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर 10K सब्सक्राइबर्स कम्प्लीट होने वाले हैं। जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे तो हम एक गिव अवे का अनाउंसमेंट करेंगे और लकी सब्सक्राइबर्स को गिफ्ट भी देंगे। ये है मारुति जिम्नी की फ्रंट लुक। फ्रंट लुक से कोई खास इतनी देखने लायक भी नहीं है, क्योंकि ये एक ऑफरोड व्हीकल है। ये है इसकी ब्लैक फ्रंट ग्रिल, जो कि मारुति सुजुकी के लोगों के साथ आती है, एवं इसी में साइड में दिए गए हैं गोल से हेडलैम्प जो कि हाइड्रोजन है और येलो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। हेडलैम्प्स के ऊपर इसमें छोटे से इंडिकेटर्स दिए गए हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल हैं। मारुति जिम्नी में हेडलाइट्स के नीचे बम्पर में फिट किए गए हैं इसके फॉग लैंप्स, जो कि येलो लाइट के साथ आते हैं। ऑब्वियसली बात है कि हेडलैम्प्स ही हाइड्रोजन है तो फॉग लैंप भी हाइड्रोजन होंगे ही ना। इसके डोर्स की बात करें तो इसमें ओनली 3 डोर दिए हैं मारुति ने, 5 डोर वेरियंट लॉन्च नहीं किया मारुति ने, और ये 5 सीटर मॉडल है। साइड लुक की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं आता है मारुति जिम्नी का साइड लुक। साइड लुक एकदम थार से मिलता जुलता है, साइड से देखने पर काफी कॉम्पैक्ट सी लगती है, और इसके ऐसे कुछ नजर आते हैं अलॉय व्हील्स जो कि डायमंड कट डिजाइन में दिए गए हैं, और इनके साइज की बात करें तो 17 इंचेस के हैं। ये अलॉय व्हील्स पर्सनली मुझे थार से भी प्यारे लग रहे हैं। मारुति जिम्नी के रियर लुक की बात करें तो ऐसा कुछ नजर आता है इसका रियर लुक। रियर से इसे काफी बोल्ड बनाया गया है, रियर में सबसे ज्यादा लुक को एनहांस कर रहा है इसके टेलगेट पर लगा हुआ स्टेपनी टायर, ये ही इसे ऑफरोडर बनाता है। टेलगेट इसका ऊपर की ओर ना खुलकर साइड की ओर खुलता है, टेल लैंप्स इसमें टेलगेट पर ना देकर नीचे की ओर बम्पर पर दिए गए हैं। अब बात करते हैं मारुति जिम्नी के इंटीरियर की। इंटीरियर इसका फुली ब्लैक दिया गया है, जो कि मारुति की बाकी सभी गाड़ियों से मिलता जुलता है। इसके स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो ये वही सेम स्टीयरिंग व्हील है जो कि डिजायर स्विफ्ट आर्टिका एक्शन 6 में भी आता है। इंटीरियर में इसमें 7.5 इंचेस की टच स्क्रीन डिस्प्ले दी गई है, जो कि एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ आती है, और यही इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटोमेटिक वाइपर्स, स्टीयरिंग कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, स्पीडोमीटर की अगर बात करें तो इसमें आरपीएम मीटर और स्पीडोमीटर दोनों ही आते हैं। एक ऑफरोडर के हिसाब से जिम्नी में फीचर्स की कोई कमी नहीं रखी मारुति ने। अब बात करते हैं मारुति जिम्नी के इंजन ऑप्शंस के बारे में। मारुति जिम्नी में 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है, जो कि 89 bhp की पावर और 200 nm का टॉर्क जनरेट करता है। ये वही वाला इंजन है जो कि इनकी विटारा ब्रीजा एक्शन 6 आर्टिका और एस क्रॉस में भी आता है। इन्होंने ये इंजन जिम्नी में भी कंटिन्यू कर दिया है। अब बात करते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स की। जैसा कि आपको पता ही है कि ये एक मारुति की गाड़ी है, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी कोई इतनी खास नहीं है, काफी हल्की गाड़ी है, लेकिन सेफ्टी फीचर्स का भी ख्याल रखा है मारुति ने। इसमें सेफ्टी फीचर्स के तौर पर ABS विद EBD, हिल असिस्ट कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, 2 एयरबैग्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, फ्रंट डिस्क ब्रेक्स। बात करते हैं क्या इसमें 4-व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलता है। जैसा कि आपको पता ही है कि जिम्नी एक ऑफरोडर व्हीकल है, तो मारुति ने इसमें 4-व्हील ड्राइव के लिए एक अलग से गियर नॉब दिया है, जिस पर कुछ मोड्स लिखे हुए हैं। अब बात करते हैं इसकी लॉन्चिंग डेट के बारे में, आखिर कब तक लॉन्च होगी ये। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये अदर कंट्रीज में तो काफी समय पहले ही लॉन्च हो चुकी है। अब बात आती है इंडिया की, तो अभी तक रिपोर्ट से पता चला है कि ये 2021 के बीच में शायद लॉन्च हो जाएगी। बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट के बारे में, आखिरकार इंडिया में क्या प्राइस होगा इसका। तो इसके टॉप मॉडल का प्राइस 9.05 लाख रुपीस होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।